वीडियो में आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जितनी भी सिक्योरिटी लगवाया जाएगा वो सब सेटिंग ऑन कर लेना, अदरवाइज आपका अकाउंट कोई भी हैक कर सकता है। जितनी इस वीडियो में आपको सेटिंग ऑन करवाई जाएगी वो सब सेटिंग अगर आप ऑन कर लेते हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ हैकर्स का बाप भी आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा। जो बोलता है ना कि मैं तेरा अकाउंट हैक कर दूंगा, उसको तुम डायरेक्ट ये बोल देना अगर ये सब सेटिंग आज ऑन कर लोगे कि भाई तेरे अंदर जितना दम है लगा दे, कर दे मेरे अकाउंट को हैक, उसको यही बोलना डायरेक्ट, ठीक है। आपको करना क्या है, अपने अकाउंट पर विजिट करना है, देन थ्री डॉट पर क्लिक करके सेटिंग एंड प्राइवेसी में आना है। ये इंटरफेस सभी को मिल चुका है, जिनको नहीं मिला है वो थोड़ा वेट कर लेना, सभी को मिल जाएगा। मैं इसीलिए सबको न्यू इंटरफेस में बता रहा हूँ, ये इंटरफेस सबको मिलने वाला है। सिंपली आपको अकाउंट सेंटर पर क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको आना है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे। जैसे ही आप यहाँ पर आते हो, अब यहाँ पर फर्स्ट पर आ रहा है चेंज पासवर्ड। चेंज पासवर्ड के ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, इस वीडियो को नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपको अपने अकाउंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑथेंटिकेशन ऐप आपको एक इंस्टाग्राम डाउनलोड करवाएगा, ये जो भी ऐप आपको सजेस्ट करेगा वो ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखा रहा है फर्स्ट डाउनलोड एन ऑथेंटिकेशन ऐप, वी रिकमेंडेड डाउनलोडिंग ड्यू मोबाइल और गूगल ऑथेंटिकेटर इफ यू डोंट हैव वन इंस्टॉल। यहाँ पर इसने दो ऐप आपको सजेस्ट करे है, फर्स्ट ड्यू मोबाइल, सेकेंड है गूगल ऑथेंटिकेटर। आपको जो उनसे भी अच्छा लगे वो आप डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर मैं गूगल ऑथेंटिकेटर वाला, ये वाला डाउनलोड कर लेता हूँ, सेकेंड वाला। सिंपली आपको प्ले स्टोर ओपन करना है, देन यहाँ पर आपको ऐप आपके सामने आ गया, देन इसको इंस्टॉल आपको कर लेना है। यहाँ पर ये आपसे बोल रहे हैं स्कैन ए QR कोड, एंटर ए सेटअप की। सिंपली गाइज आपको करना क्या है, आपको बैक करना है, इंस्टाग्राम में आ जाना है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, देखो यहाँ पर आपको आ रहा है कॉपी की एंड व्यू बार कोड एंड QR कोड। सिंपली QR कोड पर आपको क्लिक करना है। अब इसके लिए आपको सेकंड मोबाइल चाहिए, स्क्रीन शॉट से काम नहीं चलेगा। तो सेकंड मोबाइल से आपको ऐसे फ़ोटो ले लेना है, यहाँ पर मैंने इस तरह से फ़ोटो लिया। देन आपको करना क्या है, अब उस एप्लीकेशन में आ जाना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन में आ जाते हो, सिंपली यहाँ पर आपको स्कैन ए QR कोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देते हो, सिंपली अब इस मोबाइल में आपने जो ये फ़ोटो लिया है, इस तरह से मैंने इस ये ले लिया था फ़ोटो, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब करना क्या है, इसको इससे स्कैन कर देना है। यहाँ पर मैंने ऐसे स्कैन कर दिया, ये हो गया स्कैन, एंड यहाँ पर एड कोड आ गया इस तरह से 6 डिजिट का। सिंपली इसको आपको कॉपी कर लेना है, ये यहाँ पर हमने कॉपी कर लिया, एंड आपको एड अकाउंट कर लेना है। यहाँ पर ये हमारा कॉपी हो चुका है, वैसे एड अकाउंट आपको कर देना है, ये यहाँ पर अनेबल हो गया है। देन अब आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पर बैक आ जाना है। देन यहाँ पर आपको बैक करके अब यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अब जो कोड आपने कॉपी किया है वो यहाँ पर आपको इस तरह से पेस्ट कर देना है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, देन नेक्स्ट आपको कर देना है। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट सेटिंग ऑन हो गया है, ओके। यहाँ पर बैकअप कोड्स आ गया है, सिंपली इस पर क्लिक करके जिस तरह से ये आपको बैकअप कोड दे रहा है ना, ये सब आप कहीं पर नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, कहीं पर ऐड कर लेना, देन डन कर देना। तो हमारी जो ऑथेंटिकेशन ऐप है वो यहाँ पर हो गई ऐड। इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके सामने। सिंपली एडिशनल मैं ये आपको दिखा रहा है लॉगिन रिक्वेस्ट का। जब भी आपके अकाउंट को कोई लॉगिन करेगा, आपके पास पहले एक रिक्वेस्ट आएगा, उसको आपको अप्रूवल देना होगा, तब जाके वो लॉगिन कर पाएगा। एंड बैकअप कोड अगर आप भूल गए थे स्क्रीनशॉट लेना, तो यहाँ से भी आप अपने बैकअप कोड निकाल सकते हो इस तरह से। देन यहाँ पर अब बात आती है सेकंड सिक्योरिटी की, टेक्स्ट मैसेज। सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है जो आपने इंस्टाग्राम से लिंक किया हुआ है, उस पर एक कोड जाएगा। देखो इस तरह से कोड आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ऐसे कोड आता है। अब यहाँ पर जो 6 डिजिट का कोड है, यहाँ पर 506147 यहाँ पर मैंने कर दिया, देन मैं यहाँ पर कर देता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर से भी एक सिक्योरिटी लग चुका है, आपको डन कर देना है। टू सिक्योरिटी मैंने आपकी ऑन करवा दिया। अब ये जो थर्ड है ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, व्हाट्सएप वाली। सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है,
देन यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक मोबाइल नंबर आ जाएगा जो आपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लिंक किया हुआ है। सिंपली आपको अगर आपका व्हाट्सअप नंबर यही है, अगर आपका व्हाट्सअप नंबर यही है तो अगर ये नहीं है आपका तो चेंज भी कर सकते हो। जो आपका व्हाट्सअप नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देना। ओके, अब यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट कर दोगे आपके व्हाट्सएप पर 6 डिजिट का एक कोड आएगा। देखो मेरे को आ गया है इस वाले मोबाइल पर। देखो व्हाट्सएप पर आपको ऐसे कोड आएगा, आई थिंक आपको सही से नज़र आ रहा होगा, इस तरह से व्हाट्सएप पर कोड आएगा और वो कोड आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। 6 8 0 4 7 2, तो व्हाट्सएप पर आपको एक कोड आएगा, उसको यहाँ पर आपको इस तरह से फिल कर देना है। तो हमारे अकाउंट पर जो सिक्योरिटी लगनी होती है वो सब हमने ऑन कर दिया है। अब गैस यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है। देखो आपको बैक आना है, मैं जो बता रहा हूँ आपको वो ध्यान रखना। आपको कुछ एक ऐसे DM आएंगे एंड मेल आएंगे, आपको हमारी ये मेल या मोबाइल नंबर अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ऐड कर देना है। जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपका मोबाइल नंबर हटवा देंगे, या आपने जो ईमेल ऐड किया हुआ है अपने अकाउंट पर उसको वो हटवा देंगे, अपनी ईमेल आपसे लगवाएंगे और बोलेंगे कि हमें वेरीफाई करना है, हम आपको इतने पैसे देंगे, ये वो अपनी ईमेल आपके लगवा देते हैं, मतलब आपकी हटवा के अपने लगवा देते हैं, इससे आपके अकाउंट को वो हैक कर लेते हैं। तो कभी भी फ्यूचर में ऐसी मिस्टेक मत कर देना। इस पर क्लिक करके यहाँ पर जो लिखा रहा है पर्सनल डिटेल्स, सिंपली इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी देखो फर्स्ट पर ही आता है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपकी ईमेल आईडी होती है और फोन नंबर होता है। सिंपली मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो वो आपको बोलेगा कि यहाँ से अपनी ईमेल को रिमूव कर दो। वो आपकी क्या करेगा, ईमेल को डिलीट करवा देंगे और अपनी ऐड करवा देंगे। तो ये मिस्टेक आपको भूल कर भी नहीं करना है। यहाँ पर आपकी ही ईमेल ऐड होना चाहिए और आपका ही फोन लिंक होना चाहिए, फोन नंबर इसमें पर्सनल डिटेल्स है, ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सेकंड बंदे को पता ना होने चाहिए वो आपकी पर्सनल डिटेल्स देखने के लिए। एंड कितनी भी कोशिश कर ले, आपको कितना भी लालच दे दे, 10,000, 1 लाख, 50 लाख, उसको मत दिखाना अपनी पर्सनल डिटेल्स। इसके अलावा अगर कोई बोल रहा है ना अपने ईमेल को हटा के हमारी ईमेल ऐड कर दो, हम आपको 50,000 देंगे बिकॉज हम स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं आपको, हमें वेरीफाई करना है, तो उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। इसके अलावा आपको कहीं पर लॉगिन करवाया जा रहा है, हाँ जी कोई स्पॉन्सरशिप ऐसा होता है एप्लीकेशन वगैरह, उसमें आपसे लॉगिन करवाया जा रहा है, तो लॉगिन जैसे आप उनके लिंक पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर लॉगिन के लिए बोलेगा और वहाँ पर ये बोलेगा आपसे कि आपका जो इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है या ईमेल है, फ़ोन नंबर है, वो डालो और पासवर्ड डालो। तो वहाँ पर आपको लॉगिन बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे स्पॉन्सर्ड को आपको जस्ट रिजेक्ट कर देना है। कहीं पर भी अपने अकाउंट से आपको लॉगिन नहीं करना है। ये सब बातें याद रख के आपको अपने अकाउंट पर वर्क करना है और अपना मोबाइल किसी भी फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को बिलीव करके मत दे देना। अगर आपका अकाउंट बहुत बड़ा है किसी को भी मत देना अपना मोबाइल, ताकि वो आपके अकाउंट को हैक ना कर सके। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको अपने अकाउंट पर काम करना है, आपका अकाउंट कोई भी हैक नहीं कर पाएगा। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर